एक समय की बात है, गोपालगंज नाम के गांव में शिनू अपनी माँ जया, पिता सतीश और अपने दादाजी के साथ रहा करता था। शिनू बहुत ही आलसी बच्चा था। वो हमेशा सोचता था कि पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए खेलना, सोशल मीडिया पर लोगों के साथ चैटिंग करना और दिन रात सोना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसके इस बर्ताव से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन शिनू की टीचर उसके माँ को स्कूल में बुलाती है। आइए मैडम, बैठिए। क्या शिनू अच्छे से पढ़ाई कर रहा है? देखिए, शिनू ने इस साल परीक्षा के लिए जरा भी पढ़ाई नहीं की थी। उसने उसका पूरा पेपर अपने दोस्त से कॉपी करके लिखा है। उसे 50 में से सिर्फ 10 मार्क्स मिले हैं। इस साल मैं जैसे तैसे करके उसको पास करवा लूंगी, लेकिन अगली परीक्षा में आप ध्यान देना। अगर उसका ऐसा ही रिजल्ट आया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नहीं मैडम, मैं उसकी परीक्षा की पूरी तैयारी करके रखूंगी। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इस बार उसे पास कर दिया। मैंने आपको इसीलिए बुलाया ताकि शिनू का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये बात प्रिंसिपल को पता चलेगी तो वो शिनू को स्कूल से निकाल देंगे। थैंक यू मैडम। ऐसा कहकर जया स्कूल से घर आती है। शाम को जब सतीश घर आता है तो जया को टेंशन में देखकर, क्या बात है जया, बहुत टेंशन में लग रही हो? जया ने टीचर की सारी बातें सतीश को बताई। तभी सतीश, जया मुझे लगता है हमें शिनू को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। मैं भी वही सोच रही थी। तभी दोनों की बात शिनू के दादाजी सुन लेते है और सभी रात को सो जाते है। ऐसे ही कुछ महीने बीतते है और शिनू की परीक्षा पास आने लगती है, लेकिन शिनू पढ़ाई का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर उसकी माँ को चिंता होने लगती है। एक दिन जया शिनू से, शिनू तुम्हारी परीक्षा आ रही है ना, क्या तुमने पढ़ाई शुरू की है? नहीं माँ। तो फिर अभी जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। ठीक है माँ, जाता हूँ। शिनू पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद दादाजी शिनू के कमरे में आते है। उनके हाथ में एक गिफ्ट था। दादाजी शिनू को आवाज लगाते हुए, हाय शिनू, हाउ आर यू? हाय दादाजी। वाओ दादाजी, ये गिफ्ट मेरे लिए है? अरे हाँ शिनू, ये तुम्हारे लिए है। दादाजी क्या आप मुझे दिखा सकते हैं इस गिफ्ट में क्या है? अरे हाँ शिनू, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम ही इसे खोल कर देखो कि इसमें क्या है। शिनू गिफ्ट को खोल कर देखता है तो, शिनू क्या क्या दादाजी? पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए। मुझे लगा इसमें कुछ खिलौना होगा। नहीं मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें इस पेन के बारे में एक बड़ी सीक्रेट बताने वाला हूँ, मगर ये तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा। ओ, तो ठीक है दादाजी, बताओ क्या सीक्रेट है। तो देखो बेटा, ये एक जादुई पेन है और ये तुम्हारी परीक्षा लिखने में काफी मदद करेगी। ये कोई साधारण पेन नहीं है। वाओ दादाजी, मैं इस पेन का परीक्षा में उपयोग करूंगा। सुनो सुनो, लेकिन उससे पहले इस पेन की एक शर्त है। कौन सी शर्त दादाजी? अगर तुम अपने बुक को खोलकर हर रोज 5 प्रश्न उत्तर जोर से पढ़ते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो, तब ये जादुई पेन काम करना शुरू करेगी। और तो और, तुम्हें अपने टीचर और अपनी माँ की बात माननी होगी, तभी ये पेन कारगर साबित होगी। ऐसा कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और शिनू अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठता है। अब शिनू आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने लगता है। शिनू अपनी माँ से, माँ पापा, मैंने परीक्षा के लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। शिनू की बात सुनकर जया और सतीश बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो शिनू से, तो फिर अभी जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। जी माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। थैंक यू पापा। अब शिनू हर रोज मन लगाकर पढ़ाई करता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और शिनू की परीक्षा शुरू हो जाती है। शिनू अपने दादाजी ने दिए हुए जादुई पेन की मदद से पेपर लिखता है और स्कूल से घर आता है। कुछ ही दिनों बाद शिनू का रिजल्ट आता है और उसको A+ ग्रेड मिलता है। ये देखकर शिनू के घर वालों के साथ साथ टीचर भी बहुत खुश होते है। शिनू अपने दादाजी के पास जाकर, दादाजी मुझे ये जादुई पेन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही जादुई और शक्तिशाली है, इसकी वजह से मुझे A+ ग्रेड मिला है। वेरी गुड बेटा, ये हुई ना बात। थैंक यू दादाजी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा तुमने इस बार बहुत मेहनत की है,
ये तुम्हारे मेहनत का फल है, अब जाओ खेलो। कुछ इस तरह से दादाजी ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर शिनू का सही मार्गदर्शन किया और खेल खेल में शिनू को अच्छा आचरण भी सिखाया। 500 साल पहले एक छोटा सा राज्य था जहाँ के राजा थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह एक बहुत ही निर्दय राजा था। उसे तो बस अपने दान कोष और वैभव की चिंता थी, इसीलिए वो अपनी प्रजा से अनुचित लगान वसूल करता था। कई सालों से उनकी प्रजा सूखे की मार झेल रही थी, फिर भी राजा रघुवीर किसानों से लगान वसूल कर रहा था। हमारा लगान अभी तक हमें नहीं मिला, लगान समय पे ना देने की सजा जानते हो ना, 100 कोड़े। गलती माफ हो महाराज, खेत बंजर हो चुके हैं, अकाल आ चुका है, पानी की एक बूंद तक नहीं है महाराज, ऐसे में हम लगान कैसे देंगे? वो सब हमें नहीं पता, हमारा लगान हमें किसी भी परिस्थिति में चाहिए, अन्यथा लगान के बदले अपनी जमीन हमें दे दो। किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो ना ही लगान दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनें राजा रघुवीर सिंह को दे दी और राज्य छोड़कर निकल गए। हा, 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 अरे जाओ, मुझे तुम जैसे कमजोर और गरीब किसानों की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के सारे लोग एक साथ एक ही मार्ग पर चलते जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो रास्ता कहा जाता है, पर उनका नायक उन्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। सब एक साथ चलिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा, चलते रहिए। बेटा अब नहीं चला जाता। माँ जी आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए, जिनके जिनके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं वो उन्हें अपनी पीठ पे बिठा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, उम्मीद है जल्द हमें एक अच्छा बसेरा मिलेगा। उनको चलते चलते 3 दिन बीत जाते हैं, पर उनका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, ना ही कोई मंजिल दिखाई दे रही थी। हम कहीं नहीं पहुँचने वाले हैं, ये मार्ग हमें विशाल जंगल में ले जाएगा, वहाँ भूखे जंगली जानवर हमारी शिकार करके हमें खा जाएंगे, देख लेना। अम्मा आप क्यों परेशान हैं? आप नहीं चाहते हमें अच्छा इलाका मिले? चाहती तो हूँ बेटा, पर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो गलत मार्ग है। 3 दिन से सब लोग एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे। अम्मा की बातें सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई। लोगों को अमर के फैसले पर संदेह हो रहा था। 3 दिनों से चल रहे हैं, कुछ दूर और चलिए, मुझे यकीन है आगे कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दूर चलते ही उनके सामने नदी आ जाती है। नदी देखते ही उनकी उम्मीद 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सब लोग खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। ये लोग कई सालों से सूखा देख रहे थे और अब एक पानी से भरी नदी देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोगों ने मन भरकर पानी पिया, बच्चे पानी में खेलने लगे और उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अब यही नदी के किनारे बस जाएंगे। इससे अच्छी जगह हमें गांव बनाने के लिए कहीं और नहीं मिलेगी, हम तो कहते हैं हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदी के किनारे सबने मिलकर एक छोटा सा गांव बनाया, धीरे धीरे पास की जमीन पर ही खेती करना शुरू कर दिया। वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, मानो उन्हें सोने की चिड़िया मिल गई। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। एक रात में नदी का पानी उनके गांव में घुस जाता है, सब अपने अपने घरों में से बाहर निकलते हैं, उनकी फसल भी खराब हो जाती है। क्या मुसीबत है, वहाँ पानी का अकाल था और यहाँ पानी घरों में आ रहा है। शायद हमने गड़बड़ कर दी, हम नदी से थोड़ी दूर अपना गांव बसाएंगे। फिर से लोगों ने नए गांव बनाने की शुरुआत की, नदी से थोड़ी ही दूर पर घर बांधे और खेती भी वापस शुरू की। बहुत बढ़िया, अब ये एकदम सही है। अब उन लोगों को लग रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से नदी का पानी गांव में आ जाता है, खेती की फसल फिर से खराब हो जाती है। और कितना तड़पा तड़पा कर मारोगे भगवान, एक ही बार में हम सबकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? तड़पने से अच्छी बात है कि मैं अभी इस नदी में डूब कर जान दे दूं। अम्मा नदी की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती है। गलती आप लोगों की है, आप लोगों ने गांव बसाने से पहले यहाँ की जांच अच्छे तरीके से नहीं की, मैं हर वर्ष यहीं से गुजरती हूँ। पर देवी माँ अब हम करें तो क्या करें, हमारे पास दूसरा उपाय भी तो नहीं है, कहाँ जाएं? हमारे राजा ने हमें राज्य से निकाल दिया, जितनी भी बार कोशिश की गांव पानी में डूब गया, अब या तो हमें जीवन दान दे या तो हमें मौत दे। नदी तो जीवन दान देने वाली होती है, अगर हमने अपना रूप मोड़ लिया तो आगे के गांव में सूखा हो जाएगा, इसीलिए हम अपना रूप तो नहीं मोड़ सकते, पर आपके लोगों को वरदान देते हैं कि आपको हमारे पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके सारे लोग पानी में डूबकर भी जीवन जी पाएंगे, आपकी फसल हमेशा अच्छी होगी, साल में 4 महीने आपका गांव पानी में डूबा रहेगा, पर फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और देवी माँ फिर से नदी में समा जाती है। धीरे धीरे पानी पूरे गांव को डुबा देती है, पर उन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होता। गांव वाले पानी में डूबकर भी जीवित रह पा रहे थे
और उनकी फसल भी बहुत अच्छी थी। किसी इंसान ने पानी में जीवित रहने का नहीं सोचा होगा। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें ये अवसर मिला। उनका गांव साल में 8 महीने तक धरती पर होता है और 4 महीने पानी के अंदर, और ऐसे ही यह अनोखा गांव खुशियाल गांव बन गया।